हाँ जैसे ये, वीडियो बनाई आपने फिर हाँ मैं लड़का तुम्हारे गले में दर्द, हर यूट्यूबर में भी नहीं, ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। अब हम आए कुछ यहाँ पे हेलमेट देखने हैं, और यहाँ हेलमेट गिर रहे हैं दबा के। तो ये कौन सा है? एक्सर। तो ये क्या प्राइस है इसका और क्या लगेगा? 42। मॉडल बताते रहना। तो इसका साइज क्या है? ये मेरा 59 या 60 है सरकमफेरेंस। एक्सोर और एसएल की पैडिंग में फर्क आता है, नॉर्मल हेलमेट की पैडिंग, इसमें डबल पैडिंग। और ये जो सिलिकॉन शीट है, येलो कलर की थिन शीट है, ये स्टिकर है इसके ऊपर, वैसे हटने फॉग ना है। हाँ, फॉग नहीं आएगा, वैसे हटने के बाद ये ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा। अच्छा, कौन सी, ये वाली शीट कह रहे हो? अंदर वाली जो है। हाँ। आउटर भी हटेगी और हाँ। इनर वाला भी हटेगा शीट। और इसमें एंटी फॉग है? एंटी फॉग है, ये जो शीट है ना, ये एंटी फॉग है, बस इसके ऊपर ये येलो कलर की थिन शीट है। अच्छा, सर्टिफिकेशन ईसी कौन कौन सी होती है? यहाँ पर डॉट हो गया। हाँ। ईसी 22.06 है ये। हाँ। लेटेस्ट डॉट ईसी सर्टिफिकेशन है। हाँ। पहले दूसरा आता था। हाँ। फाइनल QC1 पास रहता है। क्लियर गारंटी होती है आपकी बॉडी ब्रेकिंग पे, अगर बॉडी गिर के टूटती है, क्रैक होती है, तो रिप्लेसमेंट होता है। अच्छा, तीन साल तीन साल की रिप्लेसमेंट है। एक साल रहती है, हम दो साल एक्स्ट्रा रहते हैं। ठीक है, बाकी लेटेस्ट मैन्युफैक्चरर हेलमेट है, 2024 की मैन्युफैक्चरिंग है। एक हेलमेट से देखिए क्या होता है, अगर हेलमेट बहुत पहले मैन्युफैक्चर हुआ रहता है, इसका एक टाइम पीरियड होता है, 3 साल के अंदर हेलमेट का पार्टिकल्स होते हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपको नहीं बताएगा। अभी ये कौन सा? SMK का कौन सा? टाइफून। ये साइज क्या है? ये L है। इसमें वो नहीं है, आजकल सब में आ रहा है क्या? ये किसी चीज से अपनी मैच नहीं कर रहा ना, डायरेक्ट बाइक वाइक से, किसी बाइक से डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा। इसमें कलर्स भी है? पहले ये बताओ इसका प्राइस क्या है SMK का? और कितना पड़ेगा? बस यार, चोपड़ा में बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिलता है मेरे को। 5-6 हज़ार वाली चीज़ 3.5 की बोली थी अंकल ने मेरे को, मैं तो यहाँ रेट ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारे रेट ज़्यादा लग रहे हैं, मुझे डिस्काउंट नहीं दे रहे तुम ज़्यादा। फोर्टी एट बता रहे थे? 48 बता, 38 लास्ट। 38, इसमें क्या वारंटी वगैरह होती है? 3 साल होगी बॉडी मेकिंग। इसमें कलर मेरे टाइप का जो मुझे चाहिए, ब्लैक ग्रे, ये जैसे ग्रीनिश है, मुझे इसमें ग्रे भी आता है शायद, और किसी ब्रांड का हो, दूसरे सेगमेंट में चला जाएगा सर। कितने का? बहुत ही अलग हो जाएगा। कितने सेगमेंट में? ग्राफिक्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे। हाँ, आप कह रहे हो मेरे को डिसेंट पैटर्न चाहिए। हाँ, डिसेंट में नहीं आता क्या वो थोड़ा इससे बेटर वाला? ये टाइफून है, वो भी टाइफून है, और ये साइज छोटा लग रहा है, साइज छोटा है, एम साइज है। इसमें कोई ग्रे नहीं है, ग्रीन की जगह ब्लैक ग्रे हो ऐसे में। तो भाई यहाँ पे ओजोन AK स्टड्स SMK, यहाँ पे मेरे को एक हेलमेट पसंद आया है वैसे, बट मैं थोड़ा ऑप्शंस और बेसिक में देखना चाह रहा हूँ। तो प्राइस भी मेरे को अच्छा दे रहा है, 48 बोल के 38 बोला है दे देंगे, बट थोड़ा और देखते हैं मार्केट में क्या चीज़ है। भाई ये देखो यार, यहाँ पे नई हिमालयन खड़ी है, एक ड्यूक, भाई बाइकों का खजाना है एक करोलबाग में। ये रही अपनी इंटरसेप्टर, एक वाइट हिमालयन खड़ी है, प्यारी सी ड्यूक खड़ी है, और ये देखो काली हिमालयन भी खड़ी है सामने, पुरानी हिमालयन। हम आए भाई अपने चोपड़ा और राइडर प्लानेट पे, अब देखते हैं यहाँ पे कोई अच्छा हेलमेट मिल जाए तो। और राहुल ये देखो, ये सामने 150 नंबर टायर इस बाइक पे लगा है, सेम टायर हमारी बाइक पे भी लगा है, ये देख सेम टायर उस बाइक पे और हमारी बाइक पे, KTM 390 है भाई, बढ़िया लग रही है।
साथ में ये बढ़िया सी ब्लैक ट्रायम भी आई है यहाँ पे। हाँ जैसे ये ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। हाँ अरे ये वही तो नहीं है जो मैं पसंद कर रहा था, ग्रे वाला। अच्छा वो दूसरा मॉडल था, टाइफून का था, एक टाइफून में भी ऐसा शेड आता है। मैं समझ गया आप क्या चाह रहे हो, ग्रे में आता है एक टाइफून में आता है, ग्रे ग्रे में इसमें वो एसएम के लिखा होता है, बड़ा बड़ा पतला। हाँ वो मैं फोटो दिखा दूंगा, ऑलमोस्ट ऐसा है। कैसा लग रहा है वैसे, अपनी जैकेट के साथ थोड़ा बहुत मैचिंग है ना, अपना ब्लैक ग्रे, वाइट का एक्सेंट नहीं है सर। इससे बड़ा भी मिल जाएगा, पहले लार्ज ट्राई करो फिर मैं इससे बड़ा ट्राई करूँ। सही है, इसमें भी वो है, सनवाइजर वगैरह नहीं है। सनवाइजर वाले में मैं आपको एक्सेल चेक कराया था, उसमें डबल एक्सेल आता नहीं है। फिर टाइफून चेक कराओगे फिर उसके लिए, ठीक है वो करा दो। टेबल आ रहा है वैसे, हल्का सा हिल रहा है यार, मतलब यार हर मॉडल का अपना अपना फिटिंग आ रही है और हर ब्रांड की भी अपनी अपनी फिटिंग है, तो एक साइज़ आपको अच्छे से ट्राई कर लेना चाहिए। कहते हैं ज़्यादा लूज़ ना हो, ऐसे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टाइट चल जाएगा बट लूज़ बिल्कुल नहीं चलेगा उसमें, थोड़ा ये और लूज़ होगा पैडिंग बाद में, तो फिर इम्पैक्ट के टाइम पर कहीं उतर ना जाए हेलमेट, तो इसलिए हमेशा सजेस्टेड रहता है कि टाइटर ले लो बट लूज़ नहीं। स्टड्स भी है इनके पास, और अगेन ये एस एम के ये स्टड्स, और ये उठाइयो रेट्रो वाला जो तेरे को पसंद था, ये वही है। हाँ देखो अगर किसी को रेट्रो लेना है तो जैसे रॉयल इनफील्ड में आते हैं वैसे घुमाइए उसको पीछे से, तो ऐसा कुछ पीछे से इसकी लुक है, तो ये रेट्रो में एस एम के आप ले सकते हैं। अब ये है टाइफून का, क्या प्राइस है? 5,150 रुपये पड़ेगा। कितने का? एक ही रेट बताना क्योंकि मैं थोड़ा और ट्राई कर चुका हूँ यहाँ पे मार्केट में। 4,500 भी ज़्यादा है यहाँ पर, तो कंफर्ट रहेगा यहाँ, बहुत देर तक पहनने के बाद आपके पेन होना शुरू हो। बट ये भी तो थोड़ा लूज होगा ना कुछ टाइम बाद। 19-20 आप देखो कितनी देर तक पहन सकते हो, स्पेक्स सनवाइजर कुछ नहीं पहन पाओगे। ऐसे पहनते हैं, अच्छा लग रहा है। इसका क्या प्राइस है भैया? 6,600 ये आएगा आपका, जो आप कलर मांग रहे हो ना मैट ब्लैक ग्रे में, ये वाला आएगा। ये भाई आपका MT, कोई मॉडल दिखा है? Thunder 3 MT Thunder 3 है ये, ग्लॉसी में है, इसका मैट मंगवा रहा हूँ। SMK से थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, उसमें मेरा हल्का सा चिन नीचे टच हो रहा था SMK में, एक्सेल साइज में, ये भी एक्सेल है लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, स्मार्ट है, ग्लॉसी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डे के लिए नाइट के लिए तो बाहर का क्लियर वाइज चलता है, गेम नहीं करते फिर लोग।
इसका तकरीबन वेट कितना होगा? तो भाई ये फाइनल कर दिया हमने अपना बढ़िया LS2। हालांकि हम MT देख रहे थे, बट अब मुझे फाइनली ये पसंद आया कि इसकी शेप थोड़ी नॉर्मल है। अपना जो MT था SM के था, वो थोड़ा ऐसे एरोडायनामिक शेप मुझे इतनी समझ नहीं आई थी। ये अपनी बुलेट के साथ भी अच्छा लगेगा और इंटरसेप्टर के साथ भी मस्त रहेगा और जैकेट के साथ भी ब्लैक के साथ मैचिंग है। ये इसका अपना ये केस है, ये थोड़ा कवर है। अभी भैया इस पे LS2 का वो लगा रहे हैं, क्या चीज़ है वो, एंटी फॉग। हाँ, LS2 का एंटी फॉग लगा रहे हैं और साथ में अपना कैमरा माउंट वगैरह भी सही लगवा रहा हूँ। ये सब चीज़ ये क्या चीज़ है? ये मैंने ये लगाई है टेप, अभी बाद में जेली टेप लगाई है, नॉर्मल हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगी इसको। भाई ये देखो, एक गजब एप्रिलिया भी आई है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो भाई आ गया अपना मस्त LS2 स्टॉर्म टू का डब्बा। तो भाई ये हमारा हेलमेट का बॉक्स और यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग में लिखा है EC22.06 सर्टिफाइड है ये LS2 हेलमेट। यहाँ पे दिखाऊँ तो ये लिखा है LS2 स्टॉर्म 2 रोड टूरिंग। अगर हेलमेट को पास से दिखाऊँ तो ये इसका वेंट है सामने वाला, इसको आप ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ से भी इसका एयर इनटेक होता है, तो ये देखो ये आप ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हो एयर इनटेक। और साइड की लुक कुछ ऐसी है, तो मुझे काफ़ी डिसेंट लगा था ये हेलमेट। और ये जो है ना ऑलमोस्ट थोड़ी सी ओवल शेप है, इसके सिवाय जो शेप आती है वो एरोडायनेमिक शेप होती है, वो मुझे इतनी पसंद नहीं थी, तो इसीलिए मैंने एक्सोर वगैरह ज़्यादा कंसिडर नहीं करे। ये आउटफ्लो है अपना हवा का, ये भी आउटफ्लो है, ये भी एग्जॉस्ट है, मतलब जितनी भी फ्रंट सब आएगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो आपके हेड पे इतना प्रेशर नहीं आएगा। और ये इसका फ्रंट वाइज़र हो गया और साइड में यहाँ पे वो होता है बटन, अगर मैं दिखाऊँ तो सन वाइज़र हटाने के लिए। अगर मैं हेलमेट की डिटेल्स के बारे में बात करूं तो ये मैंने लिया है राइडर्स प्लैनेट करोलबाग से और साइज़ XL। इसका MRP मेरे को पड़ा है 10,700। तो ये जो मटेरियल है हेलमेट का, ये है हमारा फाइबर, तो फाइबर नॉर्मली थोड़ा लाइट होता है, या तो इसके ऊपर अगर आप जाना चाहो तो इसके ऊपर फिर थोड़ा बहुत फाइबर में अलग अलग मॉडल्स आते हैं, और उसके सिवाय आपका कार्बन फाइबर स्टार्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा और ज़्यादा लाइट वेट होता है।